किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे, 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था, आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, ना गए, वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होता है, पहले रफाल था। देखिए स्मिता जी, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को इसका जवाब दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब, ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरसी कर लो, कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। जी, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कीचड़ जो है, कमल जो है कीचड़ में ही उगता है, तो जितना मर्जी कीचड़ उन पर फेंका जाए, पार्टी और वो उभर कर आएंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है, शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है। जो सांसद को तय करती है ना, वो जनता पूरी सुनती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। पर उनकी जो, वो कहते हैं कि जो हम तो अब पार्लियामेंट में, संसद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एक्सपंज किए जाते हैं। पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्द और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। आपने भी कहा था जब अधीर रंजन जी ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने कहा कि किसी भी सांसद जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपने भी कहा, उस वक्त सब हंस पड़े क्योंकि वो शब्द जो है इतना अजीब लगा कि संसद में कोई वो शब्द कह रहा है, तो वो पर उसके बाद गाली गलौज भी शुरू हो चुकी है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे कि? देखिए मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है और जनता इवेल्युएशन भी करती है। अब इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि वोट कास्ट करते वक्त ये सारी चीजों का संज्ञान भारत की जनता लेगी। पर संसद होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिल बैठकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं ये सब देखकर, मतलब इट्स डिसगस्टिंग। देखिए हमें कोई परहेज नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए, परंतु इनिशिएटिव तो सबने लेना पड़ेगा जी।
मैं अब जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं, 8 कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है, और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा ये, मतलब अब देखिए, इसमें सबसे